चाहिए राजा का। ये तो भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, आप राम और कृष्ण की बात करते हो तो उनको मानो तो सही, तो आपके पास पूरे देश का शासन है, इसलिए आपकी आंख भी राम और कृष्ण जैसी होनी चाहिए, भेदभाव की नहीं होनी चाहिए। ये चुनाव की वजह से आप सवाल कर रहे हैं? नहीं, चुनाव की वजह से नहीं, मैं लगातार, देखो निजाम भाई, ये मैंने हमेशा, आप खुद जानते हैं, बहुत बार मैं खुल के अपनी बात कहता हूँ, ये कोई सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का इश्यू नहीं है, ये इश्यू पूरे देश का मुद्दा है। मीडियम क्लास गरीब आदमी गेहूं मांग रहा है और एक्ट बना हुआ है, और आप कह रहे हैं इस एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं है, कोई सवाल चुनाव का नहीं है। अभी चुनाव 6 महीने बाद है राजस्थान में और 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव है, मैं तो एक्ट की बात करता हूं। और बीजेपी और कांग्रेस के नाम पर राज्यों को और केंद्र को नहीं बांटा जा सकता, ये सबका बराबर का अधिकार है। केंद्र और राज्य सरकार, यदि राज्य सरकार किसी और पार्टी की है तो भी केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ उतना ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए जितना वो अपनी पार्टी की सरकारों के साथ कर रहे हैं। इसको लेकर कौन से बिंदु पे सवाल खड़े कर? सवाल एक ही, एक्ट तो बड़ा एक ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार, पॉपुलेशन के अनुसार हमें गेहूं मिल रहा है, गेहूं बढ़ाने की डिमांड मैं कर रहा हूं, पूरा देश कर रहा है, सारे फूड मिनिस्टर कर रहे हैं, तो गेहूं तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, और आप नहीं बढ़ा रहे, इसका मतलब केंद्र सरकार गरीब को गेहूं नहीं देना चाहती। यदि आप गेहूं बढ़ा दोगे तो गरीबों को गेहूं मिल जाएगा। सर, आपकी पार्टी की ओर से लगातार ये कहा गया है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ऐसी जो तकलीफें हैं, ऐसी जो बातें हैं वो देखने को मिल रही है। अगर बताऊं तो कर्नाटक में भी लगातार ये सवाल खड़े किए गए, केंद्र जो केंद्र सरकार है वो लगातार कर्नाटक में भी गेहूं और चावल को लेकर रोक लगा दी है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई ही सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जो राज्य है उनको ही ये परेशानी झेलनी पड़ रही है, टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राज्य यदि कहीं आगे बढ़कर कंट्री की और स्टेट की बात उठाते हैं तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी के, केंद्र सरकार के पास जो पावर्स है वो पावर्स ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूट की जाए। देश के जितने भी राज्य हैं, वो चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग पार्टियों की स्टेट के लोगों ने चुनाव जीते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों, तो केंद्र सरकार भी वहां चुनाव लड़ती है, बीजेपी भी, तो वो भावना खत्म हो जानी चाहिए चुनाव के बाद। क्योंकि आज मैंने मीटिंग में देखा, जब कर्नाटक वाले बोल रहे थे, अदर राज्य वाले बोल रहे थे, तो जिस ढंग की भाषा में, बाद में मैं खुद भी बोला, पूरी बात बोला, तो ये टकराव मीटिंगों में नजर नहीं आना चाहिए। आफ्टरऑल भारत एक है, और जहां भारत की बात आएगी वहां पे कांग्रेस और बीजेपी, इन सबसे पहले मेरा भारत है, तो हम सबको मिलकर जहां भारत की बात आए तो भारत की बात आए, राजस्थान की बात आए, आज तो कमाल कर दिया राजस्थान में भी, देखो आप कितना बड़ा पाप किया, राजस्थान में बीजेपी के महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया, और बीजेपी का महिला मोर्चा, हमारा गौरव, हमारी आन बान और शान, राजस्थान को बीजेपी की कुछ महिला नेता कह रही है रेपिस्तान है। क्यों? आपको राजस्थान से, राजस्थान की जनता ने एमपी बनाया, सांसद बनाकर भेजा है, मंत्री बनाया, नेता बनाया, आप राजस्थान को रेपिस्तान कह रहे हैं? राजस्थान हमारा है, हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है, इसका नाम राजस्थान है, और आप बोल रही है रेपिस्तान है, शर्म करो। राजस्थान ये महारानी पद्मिनी की धरती है, ये पन्नाधाई और मीराबाई की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है, आप कहाँ पे ये इस काम में लग गए? जिस तरह की भाषा बीजेपी की महिला नेत्रियों ने बोली, ये रेपिस्तान है, आपकी जो भाषा राजनीति में वोट की खातिर जिस स्तर पर जाकर बीजेपी के नेता और नेत्रियां बोल रही है, वो उनको शोभा नहीं देता, उनको माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान तो राजस्थान ही है, आपको अपनी नियत से आप बोल रही है राजस्थान नहीं रेपिस्तान है, तो बीजेपी कार्यालय के बाहर राजस्थान लिखा हुआ है, ब्रैकेट में भारतीय जनता पार्टी, आगे ब्रैकेट में क्या रेपिस्तान लिखोगे? वो तो राजस्थान है हमारा, हमारे राजस्थान को आप हिंदुस्तान का नाम बदलकर कोई नहीं बोल सकता। आज कोई बोले हिंदुस्तान की सरकार कोई इश्यू हो जाए तो कांग्रेस के तो किसी नेता ने हिंदुस्तान के लिए कोई गलत शब्द नहीं बोला, तो आप राजस्थान के लिए गलत शब्द कैसे बोल सकते हैं रेपिस्तान? कभी हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, दिल्ली में एक भी नेता हिंदुस्तान का कांग्रेस का ही बोला हो कि हमने हिंदुस्तान का या भारत का नाम बदलाओ? आप राजस्थान का नाम बदल रहे हैं, कह रहे हैं रेपिस्तान, राजस्थान के लोगों तैयारी कर लो, इन बीजेपी वालों को सबक सिखाना, बताना ये राजस्थान है रेपिस्तान नहीं है।